आप देख रहे हैं YouTube चैनल का लॉयर्स टीवी और मैं हूं असलम परवेज एडवोकेट। व्हाट डज आर्टिकल 68 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 सेज अबाउट रिस्ट्रिक्शन ऑफ डिस्कशन, रिस्ट्रिक्शंस एंड डिस्कशन इन पार्लियामेंट, यानी मजलिस शूरा यानी पार्लियामेंट में बहस पर पाबंदी। नो डिस्कशन शैल टेक प्लेस इन पार्लियामेंट, मगर ये पाबंदी किसके लिए है, क्या क्या पार्लियामेंट को हुकूक दिए गए हैं और क्या क्या उन पर पाबंदी है कि इन मामलात को आप आम बहस में नहीं लाएंगे। ये वो मामलात हैं जिस पर आप गुफ्तगू करना भी होगा तो स्पेशली उसके लिए एक अलग एक फोरम बनाई जाएंगी, उस में उस फोरम के ऊपर आप ये गुफ्तगू कर सकते हैं। अदरवाइज नो डिस्कशन शैल टेक प्लेस इन पार्लियामेंट विथ रिस्पेक्ट टू द कंडक्ट ऑफ एनी जज। किसी जज के लिए आप जज के बारे में, जज के मुतालिक फेमस डिफेम किसी भी सिलसिले में आप गुफ्तगू नहीं कर सकते मजलिस शूरा में, यानी पार्लियामेंट में। अदालत उज़्मा यानी सुप्रीम कोर्ट हो या किसी अदालत आलिया हाई कोर्ट के जजेस हो यानी किसी जज के अपने फराइज की अंजाम दही में बारे में, उनके रवैये के बारे में बात या बहस नहीं होगी। गो के अमल हमारे रियासत में बहुत कम नज़र आता है, बट जूं जूं आवाम इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए इल्म हासिल करती जाएंगी, तो ये जो आप जिनको वोट देकर ऐवान तक पहुंचाते हैं, पार्लियामेंट तक पहुंचाते हैं, वो बहुत केयरफुल रहेंगे और वो जो भी कुछ काम करेंगे आईन और कानून के दायरे में रहते हुए, और आईन और कानून ना आवाम को नुकसान पहुंचाने की तरगीब देती है और ना ख़ुद को इतना फ़ायदा पहुंचाने के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि वो इलेक्शन लड़ते ही हैं कमाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, और ख़ानदान पूरी नस्ल दर नस्ल क़्यामत तक के मामलात को इंजॉय करने के लिए। मगर ये चीज़ें उस वक्त तक होती रहेंगी जब तक आवाम बेखबर है। जो ही आवाम इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए बाखबर होती रहेंगी, यानी आवाम को मालूम होता रहेगा कि जिनको वो वोट दे रहे हैं उनका क्या फ़र्ज़ है, वो क्या क्या काम कर सकते हैं और हमारा क्या क्या हक़ है जो अब तक नहीं हमें मुयस्सर है, जैसे बुनियादी ज़िंदगी की बुनियादी सहूलतें, ये हमारा हक़ है, नहीं मिलती। हर शख्स को इंसाफ वक्त पर मिल जाए ऐसा देखने को नहीं मिला है आज तक हमारे रियासतों में। हमारी रियासतों का आलम ये है कि बड़ों के लिए रातों रात अदालतें खुल जाती हैं, लेकिन आम आवाम के लिए, आम प्रिजनर्स के लिए, आम साइल सवाली के लिए, आप देखिए SDM के कोर्ट से लेकर के, SDM तो छोड़ें, आप इलाके के SHO के पास भी बेवक्त नहीं जा सकते। SHO भी बहुत बड़ी बात है, एक आम सा कंप्लेन, बिजली चली गई आपके पास, आप बिजली की कंप्लेन शाम के 5 बजे के बाद नहीं कर सकते। आपका गटर उबल रहा है, आप वाटर एंड सेवरेज वाले को पैसे देते हैं, मगर किस लिए देते हैं? इसलिए देते हैं कि वाटर प्योर सेहतमंद, पानी प्योर साफ़ सुथरा सेहतमंद आपको मिले। सेवरेज का सिस्टम
निकासी का सिस्टम, गंदगी के निकासी का सिस्टम साफ हो, शफाफ हो, बेनिफिशियल हो, आपके लिए भी, मुल्क के लिए भी और सबके लिए। तो ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता कि हमको बहसियत अवाम के, अवाम को नहीं मालूम अवाम के हुकूक़ क्या हैं। और अवाम को उस वक्त तक, अवाम को उस वक्त तक उनके हुकूक़ नहीं मालूम हो सकते जब तक कि वो आईनी और कानूनी हुकूक़ से वाकिफ ना हो। जब आप कोशिश करेंगे अपने हुकूक़ से आगही के लिए, तभी जा कर के आपके साथ कोई ज़्यादती नहीं कर पाएगा। ये ज़्यादती है कि आपको ना पानी है ना बिजली है। आप बिजली का पैसा देते हैं, आप बिल्स देते हैं, मगर लोड शेडिंग क्यों अब तक 75 साल हो गए, अब तक लोड शेडिंग की शिकायत क्यों है? क्या पैसे नहीं देते हैं आप? हम पैसे भी देते हैं, बिल्स वक्त पर देते हैं, और अगर वक्त पर बिल्स ना दे सकें तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगकर यानी सूद लगकर आ जाता है और वो हमको देना पड़ता है, हम मजबूर हैं। ये मजबूरी उस वक्त तक मजबूरी रहेगी, यानी हम मजबूर रहेंगे जब तक कि हम अपने आईनी और कानूनी हुकूक़ और फ़राइज़ से वाकिफ ना हो जाएं। हमारी गुफ्तगू यूँ चलती रहेगी। अब हम बात करने जा रहे हैं कि आर्टिकल नंबर 68 क्या कहता है अबाउट पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के ऐवान को इस बात का हक नहीं है या नहीं होगा कि वो अदालत आलिया या अदालत उज़्मा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी जज के बारे में कोई बात करे, जज की किरदार कशी करे, जज के किरदार और रवैये के बारे में आम बहस करें, बाजारू स्टाइल में गुफ्तगू की जाए। ये हक़ उन्हें हासिल नहीं है, क्योंकि इस तरह अदालतों का वक़ार मजरूह होता है। आप अपने कानून नाफिज करने वाले इदारों की इज्जत करेंगे। आप जहाँ से इंसाफ और कानून हमें मिलता है, दैट्स कॉल जुडिशरी। हमें जुडिशरी का भी एहतराम करना है, और जुडिशरी में जो जजेस हैं, जो इंसाफ की कुर्सी पे बैठे हुए हैं, हमने उनको भी रिस्पेक्ट देना है। उनकी भी किरदार कशी नहीं करनी है, क्योंकि किरदार कशी का मतलब ये होता है उनको हम डिफेम कर रहे हैं, उनको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। और जब हम किसी को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो उनकी बात भी नहीं सुनेंगे। लिहाजा नो डिस्कशन शैल टेक प्लेस इन पार्लियामेंट विथ रिस्पेक्ट टू द कंडक्ट ऑफ एनी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन द डिस्चार्ज of his duties। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।